भावना पांच चरणों में, मैत्री भावना पांच चरणों में लेने वाले, ऐसे पांच चरणों में भी मैत्री भावना होती है। तो मैत्री भावना का जो हम शुरू करते हैं तो उसके पहले कुछ मैत्री के बारे में बताना चाहेंगे। ऐसा कहते धम्मपद में, यो वे उपतितं रथं भंतं व धारये, यो उपतितं कोधं रथं भंतं व धारये। उपतित, यो उपतित, उपतित अर्थे उत्पत्ति होना, उत्पन्न होना या जन्म होना या निर्माण होना, लेकिन यह उपतत्ति, उपतत्ति का अर्थ होता है उफान मारना, इसका अर्थ थोड़ा सा बदल जाता है उत्पन्न होना, लेकिन उपतित अर्थात इसमें जो उफान मारना, उसको मराठी में उफाड़ने कहते या उसलने कहते। ऐसा समझे कि कोई एखादा भूकंप हो जाता है, तो जिस प्रकार भूकंप होकर एकदम ऊपर आ जाता है, उस चीज को उफाड़ना या उफान आना ऐसा कहते हैं। तो यो उपतितं कोधं, कोध माने क्रोध, ऐसा ही क्रोध आता है हमें, ऐसा जैसा कि भूकंप हो जाता है और जैसा इधर का उधर अस्त व्यस्त हो जाता है वातावरण, उफान मारना अर्थात इस प्रकार का क्रोध हमारा होता है। बुद्ध कहते हैं धम्मपद में कि अपना क्रोध कैसा होता है, ऐसा उफान मारने वाला क्रोध है, तो उसको शांत करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं रथंग भंतंग व धारय, कौन शांत कर सकता है? तो यहाँ उदाहरण दिया रथ और घोड़े। तो क्या कहते हैं कि जिस रथ पर जो सवार होता है सारथी, वो जैसे भरकट ले, जो भरकट जो कंट्रोल में नहीं रहते, नियंत्रण से बाहर गए हुए घोड़े को नियंत्रित करता है और रथ को ठीक से जगह पर लाता है, इसी को मैं सारथी कहता हूं। ऐसा बुद्ध कहते रथं भंतं व धारे, धारण करने वाला रथ। भंत माने भंत, भंत का अर्थ होता है आपने शब्द सुना होगा भ्रांति या भ्रम या संभ्रम, लेकिन यह क्या कहते हैं भंत, भंत का अर्थ होता है जो संभ्रम पर मात करता है, जो संभ्रम के बाहर निकलता है, उसको कहा है भंत। और इसी शब्द से भंते शब्द निकला है, आपने भंते ये शब्द सुना होगा। तो भंते कहते हम भगवान को भी, भंते कहते हैं बुद्ध को भी, भंते कहते हैं और आजकल के भिक्षु को भी हम भंते जो कहते हैं, ये भंते शब्द भंत से अर्थात जिसने संभ्रमपन, संभ्रम अर्थात कहां से शब्द आता है, अज्ञान का रूप है संभ्रम, ये अज्ञानता का मूल क्या है, रूप मूल क्लेश कौन सा है, अज्ञान है, और ये जो संभ्रम अज्ञानता के अंदर आता है। तो जिसने इस अज्ञानता को, जिसने इस संभ्रम को क्या किया, मात कर दिया, संभ्रम के बाहर निकल गया, उसको कहते भंत। तो इसका अर्थ यह होता है कि जिस प्रकार एक सारथी, निपुण सारथी घोड़े को, भटके हुए घोड़े को कंट्रोल में करता है, नियंत्रित लाकर उसको अपने कंट्रोल में करके उसको लाइन में लाता है, उसको मैं सारथी कहता हूं। और इसी प्रकार जो अपने क्रोध को, जिस प्रकार क्रोध को जो कंट्रोल में करता है सही मनुष्य, वही मैं कहता हूं, ऐसे बुद्ध कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, यो उपतितं कोधं रथं भंतं व धारय तमहं ब्रूमि सारथी, उसको मैं कहता हूं सारथी। बुद्ध क्या कहते उसको, ब्रूमि मैंने कहना और सारथी, और उसको मैं सारथी कहता हूं कि जो भटके हुए घोड़े को, नियंत्रित नहीं थे घोड़े, जो अनियंत्रित घोड़े को नियंत्रित लाता है, उसको ही सच्चा सारथी कहता हूं। तमहं ब्रूमि सारथी रश्मि गाहो इतरो जनो, अर्थात रश्मि बाकी तो रस्सी पकड़ने वाली है, बाकी डोर पकड़ने वाली है, वो सारथी नहीं है, जिसका घोड़ा नियंत्रित नहीं है वो सारथी नहीं है। तो खाली वो डोरी, लगाम की डोरी, लगाम का रस्सी पकड़ने वाली है, उसको सारथी नहीं कहता। तो सारथी किसको कहता है कि जो घोड़े का दमन करता है, नियंत्रित करता है। तो बुद्ध यहां कहते हैं, उस समय का उदाहरण दिया उन्होंने
घोड़े का, सारथी का, रथ का दिया, क्योंकि उस समय वो था। लेकिन आजकल के अगर हम देखा तो हम ऐसा समझे कि एक आधा बस ड्राइवर, ड्राइवर जो ट्रेनिंग लेता है, प्रशिक्षित होता है, और प्रशिक्षित होने के बाद बस, जिस बस में 500 से ज्यादा लोग रहते हैं, सबको वो लेके चलता है बस को, तो ड्राइवर कैसा होना चाहिए? निपुण होना चाहिए। बुद्ध कहते हैं ऐसा सारथी अर्थात ऐसा ड्राइवर होना चाहिए, क्योंकि उस बस में बहुत से लोग बैठे रहते और वो बस के बात करने वाले, कुछ गाना गाने वाले, कुछ जोर से आवाज करने वाले, कुछ इधर उधर के बातें करने वाले, राजकीय हो या सामाजिक हो, इस प्रकार के वो वातावरण निर्माण होता है। लेकिन वो ड्राइवर उधर ध्यान नहीं देता। अगर उधर ध्यान देगा तो उसका गाड़ी डगमगा जाएगी, तो उसको सही ड्राइवर नहीं कहते, सही सारथी नहीं कहते, क्योंकि सबकी बातें सुनना है उसको, तो वो उसके तो ऊपर ध्यान ही नहीं देगा। वो खाली अपना रोड देखेगा, अपना कंट्रोल, अपना कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम कहें एकाग्रता, वो जो एकाग्रता है वही कुशल ड्राइवर कहा जाता है। और इसलिए उसको बुद्ध उस समय सारथी कहते। आज का जो ड्राइवर, ऐसा समझो कि एक बार क्या हुआ कि एक ड्राइवर, एक बस जा रही थी यात्री की, भराभर लबालब भरी थी बस, और यात्रा में निकले थे, और ऐसे समय में आया कि वहां खाई में गिरने वाली थी गाड़ी, और सबको हिलने डुलने लग रहा, अब गिरते, सब ने आंखें बंद कर दी, बहुत लोगों ने कि अब मरना ही है, अब गाड़ी गिरना ही है। लेकिन ड्राइवर ने कुशलता से वो गाड़ी वहां से बाहर निकल दी, और बाहर निकलने के बाद वहां थोड़ा सा दूर जाकर उसने शांति से उसने श्वास ली, उसको लगा कि बाप रे मैं बचा दिया गाड़ी को। और इसमें ना सब लोगों को लगा कि अब हम बच गए, तो क्या कहने लगे गाड़ी के लोग, अरे बाप रे भगवान का लाख लाख शुक्र है, भगवान ने बचाया हम लोगों ने, तो मरने वाले थे, सब गाड़ी खाई में जाने वाली थी, भगवान ने बहुत 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 कृपा, तो हाथ जोड़ रहे थे भगवान को वहां से सभी लोग, अरे बेगा देवा, अरे बापा, हे भगवान आपने बचाया, सब लोग बोले। ड्राइवर ने देखा, बोले मैंने इतने खाई से गाड़ी निकाला, कोई मेरा नाम नहीं ले रहा, सब भगवान ने बचाया, भगवान ने, गाड़ी चालू किया उसने, मारा उसने, उसने स्टेयरिंग घुमाया और डाल दिया खाई में, ना अपना कूद गया बाहर, गाड़ी खाई में गाड़ी घुसार दिया उसने, सारे के सारे उसमें चले गए खाई में। तो इसको क्या सही ड्राइवर कहेंगे आप? सही सारथी नहीं है। इसलिए सारथी वो होता है या ड्राइवर वो होता है कि वो लोग कुछ भी कहे, किसी की प्रार्थना करे, कोई भगवान को पूछे, कोई ईश्वर को पूछे, इनको अपना आपा नहीं खोना चाहता, वो सही सारथी नहीं। सारे के सारे लोग मर गए, लेकिन उसने क्यों मारे कि मेरा नाम कोई नहीं लेता, कि ड्राइवर ने बचाया, किसने बचाया, ईश्वर ने बचाया, और इसका गुस्सा उसको आ गया, तो ये गलत है। इसलिए सारथी कैसा होना चाहिए, बुद्ध यहां कहते हैं सारथी का काम है कि अपने को संकट से बाहर निकलना है, अपना आपा नहीं खोना है, लोग कैसे भी बात करे उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हुए अपने को जो जिम्मेदारी है, अपने ऊपर जितने लोग है वो उसको सही सलामत लेके जाना है, लोग कुछ भी कहे। तो इसलिए ये गाथा कहती, यो वे उपति तंग कोधंग रतंग भंतंग बधारे, तो उसको क्या कहते हैं कि वो सही सारथी है कि जो भ्रांतियां से दूर निकलकर क्रोध को अपने कंट्रोल में करता है, वो सही मनुष्य है। और ये क्रोध कहाँ से कंट्रोल में होगा, तो ये निश्चित यहाँ जागृति की जरूरत है, और जब तक हम जागृत नहीं होंगे तो फिर हमसे तो गलतियां होना चाहिए। तो इसलिए महत्वपूर्ण है ध्यान, और ध्यान में दो प्रकार की ध्यान साधना होती है, एक आनापानसति जिससे हम जागृत हो जाते हैं, लेकिन जागृत होकर प्रज्ञा का ही विकास होता है, लेकिन प्रज्ञा की जोड़ के लिए करुणा की भी जोड़ होना चाहिए, मैत्री की भी जोड़ होनी चाहिए, और यह मैत्री भावना जब तक हम नहीं करेंगे तो दोनों बैलेंसिंग नहीं हो पाते, तो इसलिए हमें मैत्री भावना करना जरूरी है, वरना अगर हम मैत्री भावना नहीं करें तो फिर बुद्धि का विकास होकर कभी भी हमारा बुद्धि वो ड्राइवर के समान हो सकता है। उसके मन में मैत्री अगर होती, मैत्री मैत्री का विकास अगर किया होता तो निश्चित ही वो कहता कि ये लोग कहने दो, कोई बात नहीं, है ना, तो इसी प्रकार हो सकता है। और इसीलिए एक ऐसे बुद्ध के समय में एक बात हुई थी, एक कहानी है छोटी सी, ऐसा कहते हैं कि एक बार राजगृह में
एक पूर्णा नाम की दासी राजगृह में राजा बिंबिसार के दरबार में पूर्णा नाम की दासी कार्य करती थी और वह गुरुदकुट के आसपास रहती थी। आपने अगर देखा होगा बुद्ध गया राजगृह और राजगृह के पास में जो गृधकुट पर्वत है उस पहाड़ी पर बुद्ध का वास रहता था। वहां वो अपने भिक्षु के साथ में रहते थे, चाहे वहां ध्यान भी करते थे और वहां का निवासी था वहां उनका। तो वहां से उसी के वो पहाड़ को लगे गृधकुट के पर्वत को लगा हुआ उनके आसपास मकान था वो दासी का पूर्णा का। और वो जब अपना काम करके शाम के समय आई रात को घर में आ गई तो घर में आकर उसका एक कोई प्रेमी था तो वो प्रेमी को उसने बुलाई थी तो प्रेमी आने वाला था उसका जो प्रेम करता है। और प्रेम करने वाले का ऊपर आप तो सभी को अंदाज होगा मालूम होगा प्रेम करना तो अगर आपने देखेंगे तो कितना आदमी उसमें बहक जाता है ये हमें मालूम है। तो पूर्णा नाम की दासी प्रेमिका की प्रेमी उसका आएगा उसकी राह देख रही थी और उन्होंने जो समय दिया था उस समय निकल गया रात हो गई। उसने उसके लिए बहुत कुछ सामान खाने पकाने की चीजें जो है बना के रखी कि वो मेरा प्रेमी आएगा और हम लोग खाएंगे उनके जो भी बातें थी उन्होंने वो उसके तैयारी करके रखी लेकिन प्रेमी आया नहीं। तो उसको मन ही मन में लगा क्यों नहीं आया तो घर के बाहर निकल कर गई। निकल कर घर के बाहर निकलती है फिर घर में जाती है वो बेचैन हो रही थी प्रेम अपना प्रेमी नहीं आया। और हर कोई ऐसा होता है आप लोगों ने भी कभी किसी ने प्रेम किया होगा तो आपकी भी बेचैनी सी बड़ी होंगी कभी देखे होंगे तो हाँ अनुभव तो होगा ही किसी को भी। ऐसा कहते हैं कि वो एक बेचैन सी एक ऐसी सीमा होती है तो अंदर बाहर करते जाती जाती है आती है जाती है और ऐसी उसका फिर वो छत पर चली गई प्रेमी को देखने के लिए। और छत पर चढ़कर देखती है कि अभी रात हो गई बहुत रात हो गई और चांदनी रात थी। चांदनी रात होने के कारण और भी स्पष्ट दिख रहा था दूर दूर का तो वो देख रही थी लेकिन वो प्रेमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा तो छत पर टहल रही थी वहां से फिर नीचे जा रही थी फिर ऊपर आ रही थी लेकिन वो प्रेमी नहीं दिखा। और अचानक वो एक गृधकुट पर्वत पर बुद्ध भिक्षु के साथ में थे और उस समय रात के चंद्री रात में भिक्षु टहल रहे थे। इसने देखा इस पूर्णा ने देखा कि वहां भिक्षु टहल रहे थे तो इसको लगा इसने क्या इसको लगा कि देखो मैं तो मेरे प्रेमी की राह देख रहा हूं देख रही हूं मैं मेरे प्रेमी के लिए बेचैन हूं लेकिन ये भिक्षु ये तो बुद्ध के भिक्षु है ये कैसे ये किसकी राह देख रहे किसी प्रेमी को तो नहीं बुलाया इन लोगों ने और यहाँ टर रहे रात के समय में। कोई बैठ रहा कोई पेड़ के नीचे बैठते दिखता है कभी उठ के देखता कभी घूमते दिख रही है ये क्या है ये भिक्षु कैसे है बुद्ध का तो नाम बहुत है लेकिन भिक्षु देखो कैसे राह देख रहे। देखिए अपने मन कैसा खोजता है मन की देखिए कैसी बातें होती है कैसा शोध लगाता है कि अपने समान दूसरों को समझना शुरू कर देता है। और वो पूर्णा उनको कोस रही कि बहुत नाम होता है इनका नहीं ऐसे काम कर रहे देखिए अपने प्रेमिका को आने की राह देख रहे टहर रहे अंधेरे रात में और इसने रात के समय इस प्रकार अपने समाने उनके मन में उनका कोस रही उनको कैसे भिक्षु है इन लोगों को तो कुछ भी देना नहीं चाहिए इन लोगों को तो लोगों के पास में घर में आने नहीं देना चाहिए ऐसे इस प्रकार के भिक्षु करेंगे कैसे बुद्ध के भिक्षु है ऐसा टाइप का वो अपना मन ही मन में बहुत ही वो कोस रही क्योंकि अभी देखिए क्या कहते कभी कभी अपना जो अपनी जो मन की बातें हो अपने मन की बातों को क्रोध में लाने के लिए वो दूसरे के ऊपर क्रोध निकाल रही है और ऐसी क्रोध में उसका प्रेमी तो आए नहीं और थक कर वही इनको भिक्षु को कोसते कोसते अब ये अपने प्रेमी को नहीं कोस रही है तो अंदर प्रेमी का है उसके अंदर कहीं ना कहीं है कि वो नहीं आया लेकिन गुस्सा किधर निकल रही वो ये भिक्षु के ऊपर और जाकर फिर अपनी सो और दुप जैसे सो गई और ऐसे उनको भिक्षु को कोसते कोसते सो गई। और जब सुबह उठ गई सुबह उठकर थोड़ी देर के बाद में इधर जाती दरवाजे के बाहर तो बुद्ध उनके दरवाजे में खड़े थे। बुद्ध को देखकर एकदम अवाक हो गई अरे भगवान आप आए आप आए आइए आइए और उन्होंने फिर उनको उनका जलपान दिया जो भी उनको अवगत किया ऐसा नहीं
और उनके बाद में बुद्ध ने कहा कि हे पूर्णा, तू रात को भिक्षु के बारे में क्या क्या सोच रही थी, कैसी कैसी बातें सोच रही थी। तो उसको लगा, अरे मेरी बातें बुद्ध ने जान ली। तो क्या कहते बुद्ध, पूर्णा मैं तुम्हारे बात को जान गया हूं, लेकिन तू जो तड़प रही थी वो तेरे कारण तड़प रही थी, लेकिन तुम भिक्षु के लिए क्या क्या सोच रही थी। ऐसे भिक्षु नहीं होते, वो टहल नहीं रहे थे, वो ध्यान कर रहे थे, वो चक्रमण कर रहे थे और कुछ पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे, कुछ चिंतन कर रहे थे। और फिर बुद्ध ने वहां कहा गाथा कहकर उनको समझाने की कोशिश की और उनका वो जो भ्रम था वो निकल गया था। क्या कहते हैं बुद्ध, सदा जागार मानान अवरत्तानु सिकिन। हे पूर्णा, क्या कहते हैं पूर्णा, दासी को कहते बुद्ध, सदा जागर माननंग अहोरत्तानु सिकिनंग। अर्थात ये जो शिष्य है, ये जो श्रावक है, ये सदा जागृत रहते हैं। सदा जागर मानन अर्थात ये सदा जागृत रहते हैं, चिंतन करते रहते, ध्यान करते रहते, स्मृति में रहते हैं। सदा जागर माननंग अहोरत्तानु सिकिनंग, अहोरत अर्थात रातन दिन सीखते रहते हैं, ट्रेनिंग लेते रहते, प्रशिक्षित होते रहते हैं, सीखते रहते हैं। ऐसे नहीं है वो जो टहल रहे थे, टहल नहीं रहे थे, चिंतन कर रहे थे, चक्रमण कर रहे थे, कुछ ध्यान कर रहे थे। और ये रात को नहीं, दिन में भी करते, रात दिन जब भी उन्हें समय मिलता वो ऐसे ही रात दिन चिंतन करते रहते और जागृत रहते। क्या कहते, हमेशा जागृत रहते, बेहोशी में नहीं रहते। अहोरत्तानु सिकिनम, सीखना अर्थात ट्रेनिंग लेना, प्रशिक्षित होना अर्थात ध्यान का ट्रेनिंग, अपना ध्यान और जो चिंतन चक्रमण है इसी में रत रहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं निर्वाण अधिमुत्तानंग, और इसीलिए वो किस पर चिंतन करते और क्या होते फिर, निर्वाणंग अधिमुत्तानंग, और वह काय निर्वाणंग अधिमुत्तानंग अथ गच्छन्ति आसवा, और वो आश्रव से मुक्त होते हैं। तो आश्रव माने क्या, तो बुद्ध धर्म में आश्रव बहुत ही महत्वपूर्ण है। आश्रव चार होते हैं, वैसे तो तीन ही आश्रव होते हैं, तीन का एक तीसरा का एक भाग होकर वो चार आश्रव कहते कभी, लेकिन तीन आश्रव होते हैं। तो पहला आश्रव है कामाश्रव, दूसरा आश्रव है भवाश्रव, और तीसरा आश्रव है अविद्याश्रव। इस अविद्याश्रव में ही दृष्टाश्रव, दृष्टाश्रव इस प्रकार का वो अविद्याश्रव में आता है। इस प्रकार बुद्ध उनको कहते कि कामाश्रव, भवाश्रव और अविद्याश्रव, इन तीनों आश्रवों से, इन चारों आश्रवों से मुक्त होकर निर्वाण को प्राप्त होते हैं। ये शिष्य रात दिन जागृत रहकर ध्यान चिंतन कर आश्रव से मुक्त होकर, क्या कहते हैं, आश्रव से मुक्त होकर निर्वाणंग अधिमुत्तानंग, मुक्त होना अर्थात निर्वाण को प्राप्त होते आश्रव से मुक्त होकर। और फिर बुद्ध उनको आश्रव माने क्या, कौन किसको आश्रव कहते हैं, कामाश्रव क्या है, भवाश्रव क्या है और अविद्याश्रव क्या है, दुष्टाश्रव क्या है, ये बताकर उनकी, जब बताते हैं तब उनकी आंखें खुलती है और भगवान मैं धन्य हो गई, मुझे शरण लीजिए, मैं आपकी शरण जाती हूं, और ऐसा कहते हैं कि उनका धम्म चक्षु खुल गया और वो भिक्षुनी बन गई। और ये क्रोध जो है, तो क्रोध के कारण हम कहां से कहां चले जाते हैं, वो प्रेमिका के लिए होती है, हमारे भी ऐसे होता है। तो हमें मैत्री करना, मैत्री भावना अगर ध्यान साधना करते हैं तो निश्चित ही हम मैत्री से क्रोध को जीत सकते हैं, मैत्री से ऊपर कुछ नहीं। ऐसा कहते कि प्रेम करने वाले की किस्मत बुरी होती है, और होती है, सबको मालूम है, प्रेम करने वाले की किस्मत बड़ी बुरी होती है, और हर मुलाकातों में जुदाई जुड़ी होती है। प्रेम करने वाले की किस्मत बड़ी बुरी होती है और हर मुलाकातों में जुदाई जुड़ी होती है। अगर वक्त मिले तो
तो रिश्तों की किताब खोल के देखना, अगर वक्त मिले तो रिश्तों की किताब खोल के देखना, क्योंकि हर रिश्तों में मैत्री ही बड़ी होती है, मैत्री ही बड़ी होती है। इसलिए हमें मैत्री करना है, मैत्री भावना करना है, और जब तक हम मैत्री भावना नहीं कर सकेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैत्री ध्यान साधना आनापानसति, कल बहुत ही अच्छा सुंदर जागृति की बात की हमारे धर्मचारी संघ बंधु विमल प्रिय जी ने, तो जागृति के साथ साथ मैत्री भावना की आवश्यकता है। और एक मिनट हाँ जल्दी से आ जाए। नहीं ना ना, नहीं ना, नहीं। अरे जल्दी से ले दो जल्दी। सॉरी, थोड़ा मेरी छोटी नातिन आई थी तो प्रावधान के लिए सॉरी। तो इस प्रकार मैत्री भावना हमें करना चाहिए। आनापानसति शमत भावना में आनापानसति और मैत्री भावना दो ध्यान साधना होती है, और मैत्री अगर हम करते हैं तो निश्चित ही बुद्ध कहते हैं कि नहीं वेरानी, क्या कहते हैं, नहीं वेरे न वेरानी समंती द कुदाचनम। और ये मैत्री या क्या कहते हैं, वैर से वैर शांत नहीं होता, क्या कहते हैं, नहीं वेरे न अर्थात वेरानी, क्या कहते हैं, नहीं वेरे न वेरानी समंती द कुदाचनम अर्थात बैर से बैर शांत नहीं होता, शत्रुता से शत्रुता शांत नहीं होती। तो अवेरणत्व समंती यस्य धमो सनातनो, सनातन धर्म है कहते हैं इसको, सनातन धर्म, आपने नाम सुना होगा सनातन धर्म। सनातन कोई धर्म, सनातन धर्म को किसको कहते हैं, बहुत से लोग सनातन 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 कहते हैं, सनातन धर्म सनातन धर्म, लेकिन सनातन धर्म नहीं होता। धर्म कौन सा होता है, ये मैत्री सनातन धर्म है। मैं मर जाऊंगा, आप मर जाएंगे, हम लोग नष्ट हो जाएंगे, कल नहीं रहेंगे, लेकिन मैत्री कल भी थी आज भी है और कल भी रहेंगी, ये सनातन है, ये अनंत है, ये तत्व जो है मैत्री का ये सनातन। इसलिए बुद्ध कहते यस धम्मो सनातनो, क्या कहते अवेरण समंती यस धम्मो सनातनो, सनातन यह मैत्री का ये जो धर्म है, ये मैत्री है, ये सनातन है। और क्या कहते मैत्री ने ही क्या कहते शत्रुता से शत्रुता खत्म नहीं होती, तो मैत्री से शत्रुता खत्म होती है, क्या कहते अवेरनच समंती, शांत क्या होता है, मैत्री से वैर शांत होता है। और इसलिए हमें मैत्री खाली सीखना नहीं है, खाली समझना नहीं है, हम अगर बोल रहे हैं शब्दों में लेकिन ये सीखना नहीं है कि मुझे आना चाहिए, तो मैत्री करना पड़ता है। और जब तक मैत्री करेंगे नहीं तो हमारे अंदर का द्वेष जा नहीं सकता, हमारे अंदर का क्रोध जा नहीं सकता। इसलिए मैत्री भावना ये हमें करना आवश्यक होता है। और इसलिए दो ध्यान साधना में, पहली जो ध्यान साधना है आनापानसति और दूसरी जो है शमत भावना में मैत्री भावना, मैत्री का विकास करते, जैसा जैसा हमारा मैत्री का विकास होता है वैसी वैसी हमारी मैत्री विकसित होती है, और हमारे से अंदर का जो जो गुस्सा द्वेष अहंकार चिड़चिड़ापन ताने मारना टोनपे मारना चुगली चाहड़ी करना, ये जो है हर धीरे 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 इसके ऊपर कार्य होता है और ये नष्ट होते हैं और मैत्री विकसित होती है। तो मैत्री ऐसा कहते हैं कि एक जैसा कि एक बॉटल है और बॉटल में खाली बॉटल है, तो खाली बॉटल में देखेंगे तो खाली बॉटल नहीं होती हो, क्योंकि उसमें हवा होती है, और जैसे जैसे हम पानी डालते जाएंगे तो उसको बुड़बुड़े आना शुरू हो जाएगा और वो हवा निकलते जाएगी और पानी से वो बॉटल भरते जाएगी। तो इसी प्रकार मैत्री जो अगर मैत्री नहीं है लेकिन मैत्री डालना मैत्री का पानी डालना जब शुरू करते हैं तो वो हवा निकल जाती है और पूरा मैत्री का पानी
अर्थात बोतल भर जाती है। इसी प्रकार मैत्री भी है, अगर हम पूरे 100% अगर हम मैत्री नहीं है हमारे इसमें, क्रोध में है, ईर्ष्या में है, जलन में है, गुस्से में है, क्या कहते हैं उसमें चिड़चिड़ापन है हमारे में, कुछ का ताने मारने की आदत होती है, तो ये सारी मैत्री से धीरे 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 निकल सकती है। तो मैत्री हमें सीखना पड़ेगा। तो ये मैत्री के बहुत ही अच्छे 5 चरण बताए हैं और हम इन 5 चरणों में करने वाले हैं। तो 5 चरणों में जो पहला चरण है मैत्री का, ये समझना बहुत जरूरी है। हम स्वयं पर मैत्री करते हैं तो मैत्री में हम जो शब्द कहते कि मेरा कल्याण हो, मेरा मंगल हो, मैं सुखी रहूं, आनंदित रहूं, ये जो शब्द कहते हैं तो शब्दों से मैत्री नहीं होती। बहुत से लोगों को लगता कि ऐसा बोलने से मैं मैत्रीवान होता, ऐसा नहीं है। ये तो प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपका एक रूटीन हो जाएगा। वो कहता है ना रूटीन, वो बहेलिया आता है, जाल बिछाता है और अच्छे लोगों ने उसमें नहीं फंसना चाहिए, वो पक्षी कहते इस प्रकार का रटंत नहीं है। तो मेरा कल्याण हो, मेरा मंगल हो, ऐसे से नहीं होता। तो कल्याण कैसा होता है ये हमें समझना, पहली जो पायरी अगर हम समझ गए स्वयं का, स्वयं पर अगर हम समझ गए कि मेरा कल्याण हो, तो यहां चिंतन करना चाहिए हमें कि मेरा कल्याण कैसा होगा, मेरा मंगल कैसा होगा, मैं सुखी कैसा रहूंगा, मैं आनंदित कैसा होऊंगा। तो इसके पीछे चिंतन करें कि मैं सुखी बनने के लिए अगर मैं मैत्री करूंगा तो सुखी होऊंगा। तो यहां हमें देखना है कि अगर मैं खान पान में ध्यान नहीं देता, कुछ भी सड़ी गली चीजें खा लेता हूं, सड़ा गला पानी पी लेता हूं और मैं करूंगा कि मेरा कल्याण हो, तो कल्याण होगा क्या? नहीं होगा। मैं जड़ पदार्थ खाता हूं, जो नहीं खाना चाहिए वो खाता हूं, तो कल्याण होगा क्या? नहीं होगा। मैं अगर हिंसा करता हूं, किसी का मन दुखाता हूं, तो कल्याण होगा क्या? नहीं होगा। तो ये समझना है हमें, चिंतन करना है कि जब मैं कल्याण हूं मेरा कहता हूं तो मुझे जिस प्रकार मैं मेरे लिए चाहता हूं कि सुखी बनना चाहता हूं, दूसरे को भी क्यों दुख दूं, दूसरे को भी क्यों ताने मारूं, दूसरे को क्यों कठोर बोलूं। अगर दूसरे को मैं कठोर बोलता हूं तो उसको चोट लगती है उसके मन को, तो उस प्रकार उसका दिल अगर दुखा दिया तो फिर मेरा कल्याण कैसा होगा? निश्चित ही कल्याण नहीं होगा, क्योंकि किसी को दुख देकर हम कल्याण नहीं कर सकते। और इसीलिए ये जब शब्द कहते कि मुझे क्या करना है, तो मुझे हिंसा नहीं करना है, मुझे चोरी नहीं करना है, मुझे व्यभिचार नहीं करना है, मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे कठोर नहीं बोलना है, मुझे चुगली चाहड़ी नहीं करना है, मुझे बकवास की बातें नहीं करना है, मुझे लोभ नहीं करना, ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, मुझे द्वेष नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए, और मुझे अज्ञानता में संभ्रम में नहीं रहना चाहिए, अज्ञानता ने संभ्रम में रहना। तो ये अगर इसमें हम ध्यान देते हैं तो तब मेरा कल्याण होगा। तो हम कल्याण हो, मेरा मंगल हो, मैं सदा सुखी रहूं। सुखी कैसे रहेंगे? तो ये जो बातें बताई है इसके ऊपर हमें चिंतन करना है। और हम दूसरे को भी करते हैं, इसका कल्याण हो, उसका मंगल हो, या त्रस्त व्यक्ति का करते हैं या शत्रुता का भी हम कहते हैं, तो कल्याण ऐसा नहीं होगा, उसका कल्याण नहीं होगा, उन लोग का कल्याण नहीं होगा, ना प्रिय मित्र का होगा, ना त्रस्त व्यक्ति का होगा, ना शत्रु का होगा, कल्याण आपका होगा। क्योंकि आप जो शब्द कहते हैं वो आप, अगर किसी से आपकी दुश्मनी है, शत्रुता है, तो आपके मन में ऐसा लगता है मैं जब कल्याण हो उसका भी कल्याण हो कह रहा हूं, मेरा भी कल्याण हो, तो उसका कल्याण कैसा होगा? तो आप स्वयं उसके ऊपर जाते, उसके पास जाकर उसको जय भीम करते हैं, नमस्कार करते हैं और आप माफी मांगते कि जो भी मुझसे गलती होगी माफ कीजिए, हम अच्छे मित्र थे, अच्छे रहेंगे। इस प्रकार आप अगर अपनी तरफ से अगर अगुवाही करते तो दूसरा तो आगंतुक अगर हुआ तो वो भी नरम हो जाता है। लेकिन आप अगर कहते रहेंगे शत्रु का कल्याण हो या त्रस्त व्यक्ति का कल्याण हो, तो ऐसे से मैत्री का विकास नहीं होता। हमें उसको क्या करना पड़ेगा? मैत्री करना पड़ेगा। और जब तक हम ये मैत्री नहीं करेंगे तो हमारी मैत्री सक्सेस नहीं होती। आए हम